ये रही बाइक जिसको थोड़ी देर में कवर उतारेंगे। अभी तक उसको पता नहीं है कि इसके अंदर कौन सी बाइक है। हेलो भाई, कांग्रेचुलेशंस। एक्चुअली राइड में तो ये भी लेके जा सकते थे, लेकिन इसमें ना बड़ा स्प्रोकेट लगा दिया है, इसकी टॉप स्पीड कम हो गई है। पार्टी बोला तुमने? बोल दिया? नहीं 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 नहीं, तुम्हारे मुंह से निकला है वर्ड। अभी अपने पास जाएगी नहीं जाएगी? ये जाएगी। ले जाओगी? आप भी साथ चलाओगे? और मैं पहले कह रहा हूँ मैं नहीं चलाऊंगा इसको, मैं सिर्फ चलाऊंगा H2। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हुई है। वैसे आजकल ना मैं सुबह 8:30 बजे उठ रहा हूँ, फिजिकली चला जाता हूँ, लेकिन अभी बज रहे हैं 10। शुरुआत लेट की हुई है, सुबह 5 बजे थी समीरन की फ्लाइट, 3:30 बजे उठे, उसको कैब बुक कराई। मैंने बोला अगर कैब बुक नहीं होगी तेरे को मैं छोड़ के आऊँगा एयरपोर्ट, यहाँ से 15 मिनट का रास्ता, लेकिन बाय चांस कैब आ गई है, नहीं तो कैब वाले नखरे करते हैं। फिर मैं जाके 5:30 बजे सोया, अभी उठा हूँ 10 बजे, नहाया धोया नहीं, बस ऐसे ही रेडी हो गया हूँ, जाके फिजिकली करके आऊँगा। और आज है एक बहुत तगड़ा सरप्राइज, मतलब आपके लिए भी है, बहुत सारे बंदों के लिए है, बताऊंगा। पहले एक्सरसाइज करके आता हूँ, उसके बाद बताऊंगा, ये ना लेट हो जाए और वहाँ पर टाइम ही निकल जाए। कौन है, कौन है, कौन है? इन महाराज को सुबह सुबह देखना होता है बाहर पूरा ना, कौन आया कौन नहीं आया कौन जा रहा है। पता है क्या, मेरा ना बहुत मन था कि हमारी नेपाल राइड पे समीरन भी मेरे साथ जाए, लेकिन उसको बहुत अर्जेंट काम आ गया। उसका भी पूरा प्लान था, मतलब पूरा प्लान बना हुआ था, प्लान को पोस्टपोन भी नहीं कर सकते, उसको अर्जेंट काम आ गया, जाना पड़ गया। तो अभी जब तक वो वापसी आएगा हमारी नेपाल राइड भी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एक और तगड़ा प्लान है उसमें समीरन साथ जाएगा। और हम लेकर जा रहे हैं हमारी CRF, क्योंकि ये ना शाएं शाएं करते हुए निकल जाती है और लेट नहीं होते इस पे। जब हम अपनी रुद्रा निकालते हैं ना तो बड़े वाला गेट खोलने की जरूरत पड़ती है, ये तो पितकी सी है, यहीं से निकल जाती है। ओ आज गाड़ी भी साफ नहीं हुई है, भैया नहीं आए आई थिंक। देखो हर चीज़ का ना एक्सपीरियंस अलग है, गाड़ी में जाओ तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाओ, 12:50 में जाओ तो उसको खुली जगह चाहिए होती निकलने के लिए, देखो ये यहाँ से भी निकल गई ना, इसमें जाओ तो ऐसा लगता है भाई अभी तो निकले थे, पहुँच भी गए। बस यही होता लेट निकलने का नतीजा, पूरा जाम ही जाम है। और आज मेरे को जल्दी भी थी क्योंकि अपने को 1:30-2 बजे तक एक बाइक की डिलीवरी लेने के लिए जाना है, और मैं नहीं ले रहा हूँ बाइक, साहिबा की न्यू बाइक आ रही है, और लेकिन उसको अभी तक पता नहीं कौन सी बाइक आ रही है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, कल हमने उसको 3-4 बाइकें दिखाई थी, लेकिन जो सी बाइक हम लेने वाले वो दिखाई नहीं थी। एक्चुअली उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरे को दी थी, मेरे लिए कौन सी बाइक सही है, मेरा बजट इतना है। तो हमने एक बाइक ढूंढ के रखी है और फाइनल भी कर दी, आज उसकी डिलीवरी है। हमने उसको बोला कि एक बाइक लेने जा रहे हैं तुम्हारे लिए, अच्छी बाइक है, नेपाल उस पर जाओगी मज़ा आएगा। उसने बोला ओके, अब जाएंगे, वो भी सरप्राइज होएगी, आप भी सरप्राइज होगे कि क्या बाइक है भाई, खतरनाक बाइक। लेकिन इस जाम से निकलेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। एक्चुअली राइड में तो ये भी लेके जा सकते थे, लेकिन इसमें ना बड़ा स्प्रोकेट लगा दिया है, इसकी टॉप स्पीड कम हो गई है, पहले ये जाती थी 160, लेकिन अभी ये 80-90 से ऊपर नहीं जाती है। लो भाई लो, पहुंच गए हम। एक बात तो है, सुबह सुबह बाइक चला के ना एनर्जी सी आ जाती है, मतलब एकदम फुल चार्ज हो जाती है बॉडी। देखने में सारी चीज़ें इजी लगती है ना, लेकिन इजी होती नहीं है। अभी भी आपको लगता है मैं एकदम ठीक हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी ऐसा पेन होता है ना भाई, चीखें निकल जाती हैं। चलो एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद आपको दोबारा मिलते हैं। इस बाइक का जो असली मजा है ना वो ऑफ रोड में ही है, नॉर्मल रोड पे भी आता है, लेकिन ऑफ रोड में क्या भागती है भाई, ये कुछ नहीं देखना पड़ता, कोई खड्डा कोई कीचड़, भगाते हुए निकल जाओ। कभी कभार अपने दिन इतने ज्यादा बिजी जाते हैं ना, देखो सुबह सुबह एक्सरसाइज भी कर ली है, अभी 12:15 हो रहे हैं, 2 बजे हमने डिलीवरी का टाइम रखा हुआ है, 1 बजे तक मेरे को नहा धो के पूरा रेडी भी होना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, ब्रेकफास्ट भी करके नहीं खाता जल्दीबाजी में, 1 बजे तक सर और मैम भी आ जाएंगे, साहिबा भी आ जाएगी, वहाँ दोस्त लोग 2 बजे तक पहुँच जाएंगे। डिलीवरी लेने के बाद उसमें थोड़ा बहुत काम भी कराना है, मॉडिफिकेशन भी करवानी, क्योंकि उसके अंदर लाइटें वाइटें लगवानी है। रात को अगर बाइक चलानी हो, वैसे कोशिश तो ये करेंगे रात को चलानी ना पड़े, लेकिन अगर चलानी हो तो उसमें लाइटें वाइटें होनी चाहिए, इतने सारे काम है ना। और कल हमें नेपाल के लिए निकलना भी है, पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे। मेरे को लगता है ना हमारी सारी बाइकों की ना पार्किंग सेट हो गई है, सबसे आगे ग्रैंड अमेरिका रहती है, फिर H2 आती है, अभी H2 नहीं तो वो लगी हुई है, और ये भी वहाँ पर होती है, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा इधर उधर है। आज हमारी पार्किंग में एक नई बाइक और आ जाएगी, भले ही मैं खरीदूँ भले ही साहिबा खरीदे, खड़ी तो यहीं पर होनी है ना,
और बाइक इतनी सुंदर है ना, चार चांद लग जाएंगे और ये सारी बाइकें भी ना उस बाइक को देख के खुश हो जाएंगी। मतलब मजा आ जाएगा, नया मेहमान आने वाला है, रेडी रहो। को कैसे हो? इसकी पूछ एंटीनी की तरह हमेशा हिलती रहती है। तो भाई सीन ऐसा है, पीछे से आ रही रोशनी में क्लियर नजर नहीं आऊंगा, अभी रेडी हो जाते हैं, उसके बाद आपको दोबारा मिलते हैं, टाइम कम है। सबसे पहले करेंगे इस पर्दे को बंद ताकि हम सामने एकदम क्लियर नजर आए। थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। क्या बात है, एकदम रेडी हो चुके हैं और टी शर्ट भी हमने उसी रंग की पहनी है, जोन सी रंग की हम बाइक ले रहे हैं। आपके लिए सरप्राइज है, साहिबा के लिए भी सरप्राइज है। उसको पता मैंने कौन सी बाइक बोली, वो मेरे से बार बार पूछी थी, तो मैंने उसको बोला हम ले रहे हैं ट्रायम की टाइगर 660, क्योंकि आपने कल वाले व्लॉग में देखा होगा उसने टेस्ट राइड भी ली थी, उसको पसंद भी आई थी, तो मैंने उसको बोला हम वो वाली बाइक ले रहे हैं। लेकिन बाइक हम वो नहीं ले रहे, हम ले रहे कोई और बाइक। आपके लिए भी सरप्राइज है, उसके लिए भी सरप्राइज है, देखते हैं वहां जाके कैसे रिएक्शन रहता है, आप लोगों का भी उसका भी। आप लोगों का तो रिएक्शन मैं देख नहीं पाऊंगा, आप लोगों का रिएक्शन देखने का एक ही तरीका है, कमेंट में लिखना आपको मजा आया कि नहीं आया, उसका रिएक्शन मैं एकदम लाइव दिखाऊंगा। चलो रेडी हो गए, लेट हो रहे हैं, निकलते हैं, वो लोग नीचे आ भी गए हैं, बाय बाय। लो वो लोग भी आ चुके हैं, साहिबा के पास हेलमेट भी था, राइडिंग जैकेट भी थी, इसलिए मैंने गाड़ी ऊपर से खोल दी थी। कोको जब भी दूसरा डॉग को देखता है ना भोंकता है। हेलो जी आंटी, सत श्री अकाल, कैसे हो? क्या बात है, राइडिंग जैकेट और क्या लाई हो? हेलमेट और जूते। बहुत बहुत मुबारक 660 के लिए, शूज भी ले आई हो? चलो सही है, बढ़िया, कम्फर्टेबल पता लग जाएगा ना कि है कि नहीं है, वहाँ से बाइक चला के आओगी तो। चलो बैठो, लेट हो रहे हैं, 2 बजे तो वहाँ पहुँचना था, 2:15 घर से निकल रहे हैं। चलो भाई निकल चुके हैं हम लोग। और आंटी जी आप कब आए? बस आज सुबह ही पहुँची हूँ। ओके, और काम वाम सही चल रहा है? बढ़िया सब। एकदम बढ़िया, खुश तो बहुत हो गए, लड़की बाइक ले रही है और क्या? मम्मी को बिठा के घुमाओगी? क्या मम्मी को एक बार स्कूटी में बिठा के गई थी मैं, फिर गिरा दिया। क्या बात कर रहे हो, मतलब एक गड्ढा था हाँ। एकदम तो नई बाइक आ रही, आज तो बैठना बनता है। हेलो, थैंक यू, सबसे प्यारी गुड़िया लग रही है। वीरा, हेलो, कह रही है आंटी, भाई आंटी बना दिया। और आंटी नई बाइक की मुबारके। अंकल आपको भी। मैं अंकल कहाँ से, तुम्हें आंटी बोला, मेरे को थोड़ी अंकल बोला। तो हमने भाई को बोला हुआ था 2 बजे हम पूरे पहुंच जाएंगे, 2:30 यहीं बज चुके हैं। एक टाइम था आज से 1 साल पहले, हमने पता नहीं कोई राइड वाइड नॉर्मल छोटी मोटी राइड करी थी, तब ये कह रही मेरे को 660 लेनी, 660। तब मैंने मना किया था, बोला यार इतनी बढ़िया बाइक नहीं है ये मतलब, याद है? मैं तभी तो ये में थी कि ये अब कैसे बोल रहे कि ले लो ये, क्योंकि अभी दूसरा ऑप्शन है नहीं, और मतलब CRF से बड़ी ऑप्शन यही है, क्योंकि CRF में आपको बताया ना स्प्रॉकेट बड़े वाला लगा हुआ है, उसकी टॉप स्पीड बिल्कुल कम है, तो उससे बड़े ऑप्शन तो यही है। उस टाइम पे मैंने मना किया था, बोला यार ये बाइक ये मतलब कुछ भी ले लो, लेकिन ये मतलब। कैसे हो? आधा घंटा वेट करने के बाद पूछ रहे कैसे, क्या बात कर रहे हो, कहाँ है मासूम, कहाँ है? वो दुकान पे, मैं घर से आया सीधा। हाँ तो फिर सारे बंदे आएंगे तभी तो काम बनेगा। कह रहे आधा घंटा, हमारा वेट कर तो आज हमने कर लिया। हाँ एक ही बात है भाई, चलता रहता वेट तो, आगे लगा दो गाड़ी यहीं पर। चलो 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 चलो, ये रही बाइक जिसको थोड़ी देर में कवर उतारेंगे, बैठो सारे के सारे सोफों पे। कैसे हो सिमरन भाई? एकदम बढ़िया, अच्छी लग रही है ना ये अवेलेबल नहीं है, इनको पसंद है ये वाली बाइक, आपको सही लग रही है? पैर ही नहीं आने हैं ऐसी चीजों पे, तो पैर तो उसके भी नहीं आने। ये उस बाइक को चलेगी ऐसे? ऐसा है, ब्रांड ने मुझे दी थी। हाँ होंडा वालों ने इसको दी थी चलाने के लिए। भाई डिटेलिंग देखो, बाकी सब छोड़ो। बाइक, अच्छा बाइक, बाइक लेने आई है ना, बाइक लेने आई है तो एयरिंग भी बाइक वाला होना चाहिए। नई बाइक आ रही है तो नया हेलमेट भी चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं। अच्छा नहीं चाहिए? ओह हेलमेट बहुत सारे हैं पहले ही। जब अपनी ड्रीम बाइक तब मैं अच्छे-अच्छे हेलमेट लूंगी। ओह ये बात भी सही है, ड्रीम बाइक के साथ ड्रीम हेलमेट। अभी तक उसको पता नहीं है कि इसके अंदर कौन सी बाइक है। उसके लिए राज छुपाने के लिए हेलमेट गिफ्ट कर, KYT। हेलमेट गिफ्ट नहीं, मैंने ध्यान भटकाया हुआ है कि तू हेलमेट दे के आवा, उसको बाइक के आसपास नहीं जाने दे रहा। हेलमेट चाहिए तेरे को? चाहिए, शक्ल भी तो होनी चाहिए KYT पहनने वाली है। मैंने उसको बोला कोई हेलमेट पसंद कर लो, ये महंगे महंगे। कह रही है जब ड्रीम बाइक लूंगी ना, उसको नहीं पता भाई इसके अंदर बाइक है कौन सी, मतलब वो जब पर्दा हटाएगी तब पता लगेगा उसके। और रे सोचा तो कुछ और था, निकला कुछ और, मजा आएगा। मैं सबसे पहले आया हूँ, सबसे पहले नजर तो हमें नहीं आया, मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहनी हुई थी। थोड़ा सा गाना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।
बाइक का बर्थडे है ना भाई, कांग्रेचुलेशन। अरे भाई ये मासूम भाई तुम बताओ, तुमने इसका कलर चेंज किया ना, है ना? गाड़ी गंदी से लिख दिया। सिमरन ने इसके बॉडी पार्ट चेंज करे है, मासूम ने कलर चेंज करा है। 660 बाहर से हमने, तुमने बोला था दुकाटी चाहिए, 660 के ऊपर दुकाटी की बॉडी। अब बताओ हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम बोलो बाइक कौन सी चाहिए, लग कैसे रही है ये बताओ। ये लो, ये तो बहुत ही गलत रिएक्शन हो गया। नहीं भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये तो क्या थी। अरे ये कौन सी निकला, इसको मैंने बोला टाइगर 666। मैंने सुबह से ये सोचा कि यार पहले मुझे इसे साथ में बना के ये बाइक मत लेना, अभी बोला वो ही लो। कैसा लगा सरप्राइज? पार्टी बोला तुमने, बोल दिया। नहीं 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 तुम्हारे मुंह से निकला है वर्ड अभी पार्टी। भाई पूरा सुन ले, पार्टी खन्ना देगा। अरे स्टूल इसलिए रखा है ना इसके चढ़ने के लिए। हेलो वो सुन ही नहीं रही है, स्टूल किस लिए रखा था सिमरन भाई ने कि तुम इस पे चढ़ के उस पे चढ़ोगी, ये इन्होंने। मेरे सर को ऐसे भी पालतू नहीं बोल सकता। कल हम गए बाइक ट्राई करने, तो ये बाइक बाहर ही खड़ी हुई थी और अब फाइनल था यही लेनी है, तो मैंने इसको बोला किसी कस्टमर की बाइक है, अपना सब्सक्राइबर एक राउंड मार के देख ले। हाँ मैंने, अरे राउंड मारेगी तभी तो पता लगेगा। फिर आते आते कह रही यार मेरे को दुकाटी लेनी थी, 660 नहीं लेनी। यही रिएक्शन तो देख रहा था। तो भाई आज सबको जितना खाना खाओ, पैसे वो सर लेने गए ना घर पे गाड़ी में, सर ले आए पैसे ले रहे जो गाड़ी में रखे थे, भर लाए ना। ठीक है तो भाई हमारी राइडर तो एकदम तैयार थी जाने के लिए, सर में खुजली इसलिए कर रही है, इसको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। हमने ना यहाँ से एक बैग परचेस किया है जीवी का, जो कि बाइक के कलर के साथ मैच कर रहा है। 40 लीटर का बैग है, इसके अंदर ना भर के सामान आ जाएगा। हो सकता है मेरे को भी इसमें ही डालना पड़े, एसटू पे तो बैग बनेगा नहीं। पूरा वाटरप्रूफ, एक बूंद नहीं जाएगी। नहीं नहीं पानी में डाल के मत दिखाओ, रास्ते में टेस्ट हो जाएगा, बारिश तो मिलेगी मिलेगी। और एक हम फ़ोन माउंट और लगाने वाले हैं यहाँ पर, ताकि बाय चांस गूगल मैप की जरूरत हो, बंदा अकेला पड़ जाए, गुम हो जाए, उसके बाद फ़ोन होना चाहिए गूगल देखने के लिए। कहीं नहीं जाएगा अभी। अब इसको निकालना है, पीछे सेम बटन है, आपने इसको क्लिक करा, ठीक है निकाल लिया। ये तो बढ़िया है, चलो बैठो जाओ। कैसा है पहला एक्सपीरियंस? मजेदार। चलो घर तक लेके जाओगी ना पता लग जाएगा। लग भी सुंदर रही है और तुम्हारे हेलमेट से भी मैच कर रही है, सुंदर कलर ऐसा है ना। गाड़ी में ना सिर्फ एक दिक्कत है, ये हीट बहुत ज्यादा मारती है। अभी मेरे को इसका तो आईडिया नहीं मल्टी स्टार्टर का, घर जाके पता करेंगे कि हीट मारा है नहीं मारा इसने। भाई आगे हो गया रिक्शे और गाड़ी का एक्सीडेंट, थोड़ा चल रहा है झगड़ा, कर लो भैया साइड, हमें घर जाना है, दीदी उतर के देख रही है। चलो चलो घर के अंदर लगाओ बाइक, घर के अंदर लगाओ बाइक, अब मैं चलाऊंगा। कैसा रहा एक्सपीरियंस? हीट तो जाती थी, आप अभी चलाओ। क्यों? मेरी टांगे जली है ना बजाय हीट। भाई मैं बता तो रहा हूँ, डुकाटी इज फरारी, तुमने खरीदी है फरारी, अब फरारी तो हीट मारती मारती है, अब नेपाल जाएगी नहीं जाएगी, ये जाएगी। ले जाओगी आप भी साथ चलाओगे? तो तुम एस2 चलाओगी बीच में? हाँ। ओके ओके, मतलब एक्सपीरियंस कैसा है फिर भी चलाने में, कैसी है? मजेदार। पैसे वसूल है? हाँ।
ये तो नहीं नेपाल से बोलोगे नहीं मजा नहीं है बेचनी है नहीं। ओके ओके दो भाई फाइनली अपनी दुकाटी भी घर पहुंच गई है और क्या सुंदर लग रही है अभी तीनों भाई के ऐसे देखो साथ में खड़ी हुई प्योर ब्लैक प्योर रेड रंग बिरंगी वो 1250 वहाँ है वो भी साथ में आ जाएगी सियारा भी साथ में आ जाएगी यहीं कहीं H2 भी लगा देंगे ओहो हो क्या गैराज लगने वाला है। लेकिन जब तुम रोड पे चला रही थी ना बाइक दूर से इतनी सुंदर लग रही थी ये क्या जा रही है रेड कलर की अरे तुम तो नजर ही नहीं आ रही थी हेलमेट में ऐसा लग रहा है काला भूत पता नहीं कौन सी बाइक चला रहा है काला भूत सुंदर से बाइक चला रहा है नहीं नहीं बाइक सच में बहुत सुंदर लग रही थी मतलब कि नज़र ही नहीं हट रही थी ऊपर से इसकी लाइट इतनी प्यारी है ना सामने से। और मैं पहले कह रहा हूँ मैं नहीं चलाऊंगा इसको मैं सिर्फ चलाऊंगा H2 चलानी हो चलाओ नहीं चलानी CRF खड़ी है 1250 खड़ी है ड्यूक खड़ी है ये खड़ी कोई भी ले जाओ मुझे मत बोलना। ओको क्या किया आपने पूरा दिन भाई घर पे पूछ नहीं लानी बताओ। अच्छा इसको ना ये वाला बैग सूंघना है तो हम ये बैग तो ले आए अभी हमें नहीं पता सारा सामान इसमें आएगा नहीं आएगा कैसे मैनेज करेंगे नो आइडिया। चलो बाय 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 कोको बाय किया आपने। तो जस्ट अभी हमने अपनी वीडियो एडिटिंग खत्म करी है और अभी हम GoPro को चार्जिंग पे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं क्योंकि आज हमारी पार्किंग में ना एक नया और सुंदर मेहमान आ चुका है। आज मेरे को उसको चलाने का मौका नहीं मिला आज इतना ज्यादा भागा दौड़ी था ना टाइम ही नहीं मिला। कल सुबह उठ के उसको चलाऊंगा कल सुबह फिजियो जाऊंगा ना दुकाटी लेकर जाऊंगा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं दुकाटी को चलाने के लिए। पता नहीं मेरे को रात को नींद आएगी भी नहीं आएगी लेकिन सुबह उठ के उसको चलाएंगे। होप करते हैं आपको आज की वीडियो मजा आएगा। यहां तक अपनी वीडियो देख ले लाइक करें मेरा बिल्कुल मत जाना कुछ भी अच्छा लगाओ लाइक करना कमेंट करना बाइक कैसी लगी डिलीवरी कैसी लगी बाइक सही ली है नहीं ली ये लेनी चाहिए थी या दूसरी लेनी चाहिए थी कुछ भी हो ना मन में अगर कुछ नहीं भी आ रहा हो ना तो ऐसे करके कमेंट कर दिया करो लेकिन कमेंट करा करो अच्छा लगता है। साहिबा को कांग्रेट्स ही कर देना तब भी अच्छा लगे कुछ ना कुछ कमेंट कर देना। यहाँ तक वीडियो देख लिया लाइक करना कमेंट करना और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना हमारी राइड शुरू होने वाली है नेपाल की बहुत बेहतरीन ब्लॉग्स आने वाले हैं। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड बाय 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 गुड नाइट। वाली जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।